अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत ही छोटी सी ये वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। इट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग। तो सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग के साथ साथ मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ना जो आप पहली दफ़ा कर रहे होते हैं। तो मैंने भी बस ये एक्सपीरियंस किया और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ। मुझे ना इस टाइम हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि यार हम किस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन देखिए एक्सपीरियंस किसी भी तरह का हो, तो वो अच्छा हो या बुरा हो, तो मेरा ख्याल है कि शेयर करना चाहिए। व्यूवर्स, टाइम तो लगता है लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रही ना, मतलब इतना ज़्यादा मुझे चेंज लग रहा है अपना फेस। और अच्छी बात ये है कि मुझे अपने अंदर ये तब्दीली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। व्यूवर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे होते। बाज़ दफ़ा ये तब्दीलियाँ फ़िज़िकल होती हैं, बाज़ दफ़ा यही तब्दीलियाँ हमारी सोच के साथ, हमारे मेंटल लेवल के साथ, हमारे दिलो दिमाग के साथ जो हैं वो जुड़ी होती हैं। हम बहुत ही जजमेंटल से हैं, हम थोड़ी सी देर में ही जजमेंट कर लेते हैं कि कौन कैसा है, लेकिन दर हकीकत होता ऐसा है कि हम अपने आप को भी नहीं पहचान सकते। हम किस लम्हे, किस मोड़ पर, किस मोमेंट पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये हमें खुद भी पता नहीं होता। बस इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अपना ख्याल रखें और किसी को भी इतनी जल्दी जज मत करें, क्योंकि हर एक्ट के पीछे जिस तरह हम अपने आप को जानते हैं, हमारे हर एक्शन के पीछे हमें लगता है कि एक जस्टिफिकेशन है, इसी तरह दूसरे के भी हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ज़रूर होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।